डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए मैथ सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 6.2 एक्सरसाइज तक को मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 6.2 पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो आज हम लोग एक नया एक्सरसाइज का शुरुआत करने जा रहे हैं। वो एक्सरसाइज 6.3 है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम उनके बारे में पहले थ्योरी के बेसिस पे कुछ समझते हैं, कुछ चीजों को जानते हैं, देन हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं थ्योरी, और थ्योरी में क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.3 दे दीजिए। एक्सरसाइज 6.3 यानी कि जो भी हम लोग थ्योरी चल रहे हैं अभी, वो कौन से एक्सरसाइज के लिए है, तो 6.3 के लिए है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग थ्योरी के रूप में सीखेंगे कि नॉर्मल और टेंजेंट, नॉर्मल एंड टेंजेंट, नॉर्मल और टेंजेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यानी कि जो हम लोग का जो टॉपिक्स है वो क्या है, नॉर्मल एंड टेंजेंट एक टॉपिक्स है, और इस टॉपिक्स को हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये तो मेन टॉपिक्स है, और सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है, देखिए नॉर्मल एंड टेंजेंट ये पूरा टॉपिक्स है हम लोग का, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो कुछ बात हम लोग सीखेंगे तो इसी के अंदर आता है स्लोप। अब स्लोप का मतलब समझना है कि स्लोप क्या है, तो स्लोप का हिंदी होता है ढाल। क्या होता है, ढाल। और ढाल का अगर बात करें तो जैसे मान लिया कभी आपने सीढ़ी पे चढ़ा होगा, ठीक है, घर के आगे ऐसा ढलान टाइप के दिया हुआ रहता है जिस पे बाइक वगैरह आराम से चढ़ जाए, दैट इज ऐसे, ठीक है, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप किसको बोलते हैं, तो ये जो ढाल हुआ ना, ढलान जिसको बोलते हैं, यही कहलाता है स्लोप। तो जहां कहीं भी अगर स्लोप मिलेगा सवाल में, आपको क्या समझना है, ढाल। यानी कि हम लोग यहां फिगर के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं कि अगर मान लिया कि कोई अगर एक चक्का है, कोई चक्का है, तो वो रोटेट करते हुए घूमते हुए कहां बढ़ेगा, ढलान है तो आगे की ओर बढ़ेगा गोल गोल घूमते हुए, तो हम लोग इसी को बोलते हैं ढलान। अब स्लोप के बारे में पढ़ते हैं, तो स्लोप कितने तरीके से होता है हम लोग उसका बात करते हैं। तो स्लोप का नंबर ए पॉइंट, पहला नंबर है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट, यदि किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक, जैसे कि आप टेंथ में पढ़ते थे ना हिंदी में कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए का मतलब कि x और y निर्देशांक को तो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो x और y का वैल्यू निकालिए। तो उसी तरीके से अगर कोई भी दो पॉइंट कोऑर्डिनेट के रूप में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, यानी कि हम यहां पे स्लोप के बारे में सब सीख रहे हैं। सबसे पहला नंबर क्या है, तो अगर दो पॉइंट दिया रहेगा कोऑर्डिनेट का, जैसे मान लिया कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट कितना है, तो एक्स वन कॉमा वाई वन, और एक दूसरा पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट का हमें बोल रहा है कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर आप स्लोप निकालिए, स्लोप क्या होगा, यानी कि अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक दिया रहेगा, जैसे कि एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, तब आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है
जैसे मान लिया इसका नाम एपी है, तो स्लोप ऑफ लाइन एबी का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इसको एम से सूचित किया जाता है, यानी कि जहां कहीं भी स्लोप है उसको हम लोग एम से सूचित करना चाहते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब दो को कोई कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, एक ए है और एक बी है, दोनों निर्देशांक के वजह से हमें स्लोप निकालने के लिए बोल सकता है या फिर एम निकालने के लिए बोल सकता है। तो एम का मतलब भी होता है स्लोप। जैसे भी किसी भी जैसे प्रतिरोध को हम लोग फिजिक्स में आर से सूचित करते हैं ना, वैसे ही स्लोप को किससे सूचित करते हैं? एम से। तो ए बी का जो स्लोप होता है वो फार्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन, याद रखिएगा, बटा एक्स टू माइनस एक्स वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला स्लोप का है। अब ये वाला स्लोप का फार्मूला कब इस्तेमाल करना है? जब कोई भी दो को प्वाइंट दिया रहे और दोनों प्वाइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया रहे, निर्देशांक दिया रहे, ठीक है। तो ए नंबर में हम लोग क्या सीखे कि कोई भी दो प्वाइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स दिया रहे, निर्देशांक दिया रहे, तब हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं? तो y2 माइनस y1, यानी कि ये y2 है ये y1, उसको घटा लेना है, और बटा x2 माइनस x1, ठीक है। चलिए अब इसको समझने के लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप इन चीजों को नोट करके फिर उसके नीचे एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। फिगर उतार लीजिएगा, हम मिटाते जाते हैं, आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इतना ए नंबर को भी सीखने के बाद, देखिए अभी हम लोग ए नंबर सीखे स्लोप में, अब ए का ही कुछ एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि कुछ नीचे पॉइंट्स दिया गया है, बिंदु दिया गया है, उसका आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। जैसे पहला सवाल ए पॉइंट का दिया है दो चार माइनस चार कॉमा, बी पॉइंट का दिया है आठ कॉमा छ। दूसरा सवाल पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट माइनस चार माइनस आठ, और क्यू पॉइंट है जिसका है दो माइनस छ। फिर एक तीसरा सवाल है एम आठ माइनस दो, फिर एन पॉइंट है माइनस दो माइनस चार, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे चीजों को, क्या बोल रहा है कि हमें स्लोप निकालना है कब? जब गिवन पॉइंट्स दिया है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिया है दो को पॉइंट्स का, ए है और बी है, पी है और क्यू है, एम है और एन है, तो हमें इसका क्या निकालना है? स्लोप। तो आप स्लोप निकाल सकते हैं खुद से। तो हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट को, पहला का सॉल्यूशन। यहां पे क्या दिया गया, एक वो पॉइंट ए है, तो मान लीजिए कहीं भी ए हो रहा होगा, इसका स्लोप दिया है दो माइनस चार। कहीं भी बी हो रहा होगा, कहीं दूसरे जगह बी पॉइंट है, उसका निर्देशांक आठ छ दिया है, कोऑर्डिनेट्स, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक। तो इसका जो निर्देशांक दिया है आठ छ दिया है, तब बोल रहा है कि ये जो लाइन बनेगा ए बी, इसका आपको क्या निकालना? स्लोप निकालना, एम का वैल्यू निकालना, क्योंकि स्लोप को तो एम से सूचित करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एम ब्रैकेट में ए बी का मतलब क्या हुआ? एम का मतलब स्लोप, इसको पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए बी। इसको क्या पढ़ेंगे? एम मतलब स्लोप ऑफ ए बी, यानी ए बी का स्लोप, ए बी का ढाल। फॉर्मूला क्या है? y2 टू माइनस वाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन। देखिये y2 के जगह पे कितना है? छ, फिर माइनस करना है y1, तो y1 कितना है? माइनस चार, बट्टा एक्स टू कितना है? एट माइनस एक्स वन टू। तो कुल मिलाकर कितना हुआ ऊपर?
माइनस माइनस प्लस, आठ में से दो गया छ, यानी कि दस बटा छ यानी पांच बटा में तीन। राइट आंसर पांच बटा तीन इसका स्लोप हो गया। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को सीखना होगा कि स्लोप क्या है। तो स्लोप हम लोग ढाल को ही स्लोप बोलते हैं। अब किस किस कंडीशन में कैसे कैसे स्लोप निकालना है ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर दो गो पॉइंट्स दिया रहता है तब उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला वाई टू, क्योंकि निर्देशांक तो जानते हैं ना एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे फार्मूला होता है वाई टू, यानी कि ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू। तो वाई टू में से वाई वन को घटाना है, फिर बटा बाद वाला एक्स टू में से पहले वाला एक्स टू को घटा लेना है, ठीक है। जो चीजें मिलेंगी वो ए बी का ढाल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर बात करते हैं कि सर क्या हम ए बी को न लिख के बी ए लिखेंगे और तब ढाल निकालेंगे तो हम लोगों का आंसर सेम आएगा? तो जी बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि ढाल तो वही का वही रहेगा ना। देखो मान लिया जाए कि एक ढाल है, अब इसका जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंट है, दो छोर का पॉइंट हमको पता है, उसका निर्देशांक पता है। तो आप पहले इसको रखो चाहे बाद का इसको रखो, पहले इसको रखो चाहे बाद का इसको रखो, हम लोगों का जो स्लोप आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। अब पहला ही सवाल का हम लोग ऐसे बनाए। अच्छा अब कोई लड़का या फिर कोई दोस्त, कोई स्टूडेंट आपका ऐसे बनाता है, कैसे? उन्होंने तो बोला कि सर हम क्या किए ना, ए बी को ना लिखकर मैंने सबसे बी पॉइंट को लिखा, कितना निर्देशांक है भाई, तो आठ छ, और कहीं ए पॉइंट है और ए पॉइंट का निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स दो माइनस चार है। और अब इसको क्या किया, अब इसको ज्वाइन किया, ठीक है। जब इसको ज्वाइन कर लिया तो इसका हम लोग स्लोप निकालने के लिए एम ऑफ बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन को तो ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, कुछ सभी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एम ऑफ बी ए क्या होता है, फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू में से वाई वन को घटाना है, वाई टू के जगह पे कितना माइनस चार, और इसको घटाना है माइनस छ, डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन टू माइनस एट। तो यहां पे माइनस फोर और माइनस सिक्स मिलके माइनस टेन, टू में से माइनस आठ गया माइनस छ। तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप कहीं भी रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों का आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि आज से आप सीख लो कि कोई दो पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स दिया रहे, कोऑर्डिनेट्स दिया रहे तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। y2 टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन। ये कब देखिए, अलग अलग सिचुएशन में हम लोग स्लोप अलग अलग निकालते हैं। तो ये फर्स्ट हम लोग कौन सा सिचुएशन पढ़े कि अगर हमें लाइन दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि लाइन नहीं दिया रहे, मतलब कि अगर दो को पॉइंट दिया रहेगा और दोनों पॉइंट का अगर हमें निर्देशांक पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको पहला सवाल का सॉल्यूशन कर दिए हैं। अब एग्जांपल में जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो आप खुद से इसका स्लोप निकालिएगा। क्योंकि लाइन यहाँ ए बी था तो एम ए बी चाहे बी ए लिख रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पे पी और क्यू है तो यहाँ स्लोप ऑफ पी क्यू लिखिएगा, यहाँ एम और एन है तो स्लोप ऑफ एम एन लिखिएगा, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीजें होंगी स्लोप, यानी कि एम एन का, पी क्यू का या ए बी का स्लोप, हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग जरा बात करते हैं आगे कि अगर स्लोप, हम लोग तो पहला सिचुएशन सीखे कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा तो क्या होगा। अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। इफ इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इज, दूसरा नंबर सीखेंगे,
ये तो पहला था। दूसरा सीखेंगे, ए नंबर सिचुएशन था। अब हम लोग आइए सीखते हैं सिचुएशन नंबर बी। ठीक है, बी नंबर सिचुएशन की कैसा रहेगा तो हमें क्या काम करना होगा। तो दूसरा है बी, इफ इक्वेशन ऑफ एनी लाइन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन एम ऑफ लाइन इज इक्वल टू ए। चलिए, यानी कि यहां पे हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छी बात, वो क्या है जरा चीजों को समझेंगे। पहला तो हम लोग सीखे कि स्लोप निकाल सकते हैं कब, जब किसी भी लाइन का दो पॉइंट गिवन है। किसी भी लाइन का दो पॉइंट अगर गिवन है तो हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि y बराबर ax प्लस बी रहेगा किसी भी लाइन का, फॉर एग्जाम्पल लेट ऐसे। ठीक है, यहां पे अगर मामला कुछ इस तरीके का रहेगा कि एक लाइन है जिसका नाम है AB, ठीक है, एक लाइन है AB और इस लाइन का अगर इक्वेशन ऐसा कुछ है, यानी कि y बराबर ax प्लस बी, y बराबर ax प्लस बी रहेगा, ठीक है, तो हम लोग इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ x, x का गुना। तो x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक a है, तो इसलिए स्लोप होगा a। यानी कि सिंपल वे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, तो उसका समीकरण से y का मान निकाल लीजिए। y का मान निकालने के बाद जो x का गुणांक होगा, x के जो बगल में होगा, वही हो जाता है स्लोप। ठीक है, जरा एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे तभी पता चलेगा। एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या अभी हम लोग सीखे कि अगर किसी भी लाइन का समीकरण दिया रहे y बराबर ax प्लस बी, तो उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए, किस लाइन का, जिस लाइन का हमें इक्वेशन दिया रहे, समीकरण दिया रहे, उस लाइन का अगर स्लोप निकालना होगा तो यहां x के बगल में क्या है, a, तो a आंसर करने है। समझ में आ रहा है, यानी कि किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन समीकरण दिया रहता है तो हम लोग उसका m का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x का गुणांक जो है वही लिख देते हैं, a लिख दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन के तौर पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फाइंड द स्लोप ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन विथ, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इक्वेशन आर गिवन बिलो। देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमें स्लोप, लाइन का स्लोप निकालो कब, जब इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल एंड चौथा सवाल, कुछ हमें इक्वेशन यहां पे दिया है, और पांच सवाल कुछ तरीके, टोटल सवाल है। पहला सवाल कुछ इस तरीके से है, y बराबर x माइनस 11, ठीक है, दूसरा है 5y माइनस 15x,
पांचवा है माइनस 15 एक्स बराबर में 13, दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इज y बराबर x प्लस 1 एंड नेक्स्ट इज x प्लस 14y प्लस 4 x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। देख पा रहे होंगे आप, सबसे पहले हम लोग स्लोप अभी सीख रहे हैं, किसी भी चीज का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग सीख रहे हैं। पहला सिचुएशन तब था जब दो पॉइंट दिया हुआ था, और दूसरा सिचुएशन अभी हम लोग सीख रहे हैं जब किसी लाइन का इक्वेशन दिया है, जब किसी लाइन का इक्वेशन दिया है y बराबर ax प्लस b, तो हम क्या बोले कि अब सबसे पहले जो समीकरण दिया है उससे आप y का मान निकाल लो, और y का मान निकालने के बाद जो x का गुणांक नजर आएगा, x का गुणांक यहां क्या है a, तो इसलिए स्लोप यहां कर दिए a। अब आपको इसको सॉल्यूशन करना है, कब ये सब सारा समीकरण दिया हुआ है एक लाइन का और इसी लाइन का स्लोप निकालना है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। अब जरा हम सॉल्यूशन करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अगर दिया गया लाइन है उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, और इन चीजों को आपको सीखना चाहिए। पहला सवाल जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले एक लाइन है और लाइन का समीकरण, लाइन का हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी, क्योंकि यहां तो लाइन दिया हुआ नहीं है, हम अपने से नाम दे दिया कि लाइन का नाम पी क्यू है, पी क्यू एक लाइन है एक रेखा है। अब इसका समीकरण क्या दिया सवाल में, समीकरण दिया हुआ है भाई, तो समीकरण लिख दो y बराबर एक्स प्लस 11, सॉरी एक्स माइनस 11, ठीक है एक्स माइनस 11। जब एक्स माइनस 11 दिया हुआ है तो हमें तो यहां पे m का वैल्यू सीधा सीधा पता चल गया, क्या पता चल गया भाई कि x का गुणांक, y का तो मान हमको निकालना है और ये सीधा सीधी y का वैल्यू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू दे दिया तो x का गुणांक क्या है 1, तो m का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि स्लोप हो जाएगा 1। तो यहां पे लिखिएगा गिवेन y इज इक्वल टू क्या था x माइनस 11, सो m ऑफ pq, लाइन का नाम क्या है pq, तो यहां पे pq लाइन का इक्वेशन स्लोप कैसे निकाल देंगे, तो x का गुणांक क्या है 1, तो यहां पे 1 आंसर। यानी कि देखो भाई, हम किसी भी लाइन का स्लोप तो निकालते हैं, लेकिन कब, जब अगर कोऑर्डिनेट, जब अगर निर्देशांक दिया रहेगा तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, लेकिन जब अगर हमें समीकरण दिया रहेगा तो y का मान निकाल लेना है और जो x का गुणांक रहेगा वही हम लोग उसका आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, कि क्वेश्चन नंबर टू कैसे करते हैं काम, यानी कि आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। वन नंबर हम लोग समझ लिए, वन का स्लोप भी निकाल लिए, अब आगे आते हैं टू पे। तो फाइव वाई माइनस 15 एक्स बराबर 13, ठीक है, तो पांच वाई माइनस 15 एक्स बराबर 13 है, तो सबसे पहले यहां पे लिखिए कि गिवन, दूसरा में क्या गिवन है भाई, तो पांच वाई माइनस 15 एक्स बराबर 13, ठीक है, पांच वाई माइनस 15 एक्स बराबर 13। हम क्या बोले कि कोई भी अगर लाइन का इक्वेशन दिया नहीं है, इक्वेशन दिया रहे तब हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, तो भाई इससे आप चल के वाई का मान निकालो, तो वाई का मान हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो यहां पे पांच वाई इज इक्वल टू माइनस 15 एक्स है ना, उसको ले जाएंगे उधर, तो 13 प्लस 15 एक्स हो जाएगा ना। अब चूंकि वाई का मान निकालना है तो हम लोग यहां क्या करेंगे, हम लोग यहां पे, ये चूंकि क्वेश्चन है, यहां पे वाई का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पांच से दोनों तरफ भाग कर देंगे, 13 प्लस 15 एक्स बटा में कितना 5, यही ना होगा। अब जैसा कि आपको पता है
एक मैथ्स में रूल होता है, कौन सा रूल भाई? तो अगर 2+8/6 अगर होता है कहीं, तो इसको आप अलग अलग तोड़ सकते हैं, मतलब कि 2/6+8/6 अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में टूटेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस में टूटेगा। समझ रहे चीजों को ना? तो अगर आपको कहीं भी ऐसा मैथ में मिलता है तो आप उसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये मैथ का रूल है, ठीक है। वही रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि y बराबर 13/5 प्लस 15x/5 और 5 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो y बराबर मिल गया कौन सी, 13/5 + 3x, यही ना मिला, यही मिला। यानी कि दूसरा में जो हम लोगों का लाइन मिल रहा है, इस लाइन का नाम रख दिया मैंने अभी फिलहाल AB, ठीक है। और इस AB का जो समीकरण आया y बराबर, y का मान जो दिया गया है उससे जब हम y का मान निकाले तो क्या निकला, 13/5 + 3x, ठीक है। तो जो y का वैल्यू अगर हम निकाल पाते हैं उसमें जो x का गुणांक होता है, x का कोफिशियंट होता है, वही हम लोगों का स्लोप हो जाता है। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना, तो x के बगल वाला आंसर होता है 3, इसलिए m ऑफ लाइन क्या है AB, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना होगा तो हम लोग ऐसे ही करके चीजों को निकालेंगे। यानी कि आपको अलग अलग सिचुएशन सीखना चाहिए कि स्लोप कई तरीके से निकाला जा सकता है। पहला ये कि जब हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स दिया रहे, निर्देशांक दिया रहे, तब हम लोग कर सकते हैं। जब हम लोग अगर स्लोप निकाल सकते हैं, कब, जब किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया रहे, यानी कि समीकरण दिया रहे, तब हम लोग उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसी सारी चीजों को हम लोग कर सकते हैं। तो एक मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों सवाल में आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकाल लेना है। y का वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो x के गुणांक देखना है कि x का जो गुणांक होगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो कुछ भी अगर यहां से समीकरण में y का भी वैल्यू दिया है वो हम लोगों का x का जो गुणांक होगा वो आंसर हो जाएगा। फिलहाल 2 क्वेश्चन हम किए हैं, आप वैसे ही तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। मतलब क्या, ये समीकरण दिया है ना भाई, इससे चल के आप y का मान निकाल लो। जैसे हम y का मान निकाले, अब y का मान जो आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा, अब y का वैल्यू जो आएगा उसमें x का गुणांक देख लेना है कि x का गुणांक क्या है, और लाइन का नाम अपने से PQRS MN कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि यहां तो कुछ दिया नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से आप तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों इक्वेशन का आप स्लोप निकाल के जरूर दिखाइएगा, जरूर बनाइएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जा रहा है तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं ये चीजें हम लोग अभी सीखे, ठीक है। तो पहला सिचुएशन में स्लोप निकालते थे कब, जब हम लोगों का कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है, और दूसरा अभी हम लोग सीख रहे हैं कि स्लोप ही निकल रहा है लेकिन कब, जब हम लोगों का समीकरण दिया है किसी भी लाइन का। तो दो चीजें हम लोग सीखे, अब आइए आगे सीखते हैं। सी कैटेगरी नंबर सी, सी नंबर में क्या है कि ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन स्लोप ऑल पैरेलल लाइंस आर इक्वल। यानी कि बोल रहा है कि अगर कोई भी लाइंस पैरेलल है, यानी कि सी नंबर में लिखेंगे व्हेन ऑल लाइंस आर पैरेलल, ऑल लाइंस आर पैरेलल देन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर देन
स्लोप ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, स्लोप ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, ऑल पैरेलल लाइंस आर इक्वल, आर इक्वल। अब जरा इन चीजों को समझिएगा। तीसरा हम लोग क्या सीखे, तीसरा ये सीखे कि अगर when all lines are parallel to each other, then slope of all parallel lines are equal। यानी कि अगर आज के बाद एक और सिचुएशन सीख लिए हम लोग कि अगर किसी लाइन का, अगर किसी लाइन का हमें स्लोप पता है लेकिन और भी लाइंस हैं जो उसके पैरेलल है, उसके पैरेलल है, तो सबका स्लोप जो होगा ना वो इक्वल होगा, सबका स्लोप इक्वल होगा। यानी कि हम लोग अभी सीखे कि जैसे मान लिया, फिगर से समझ में आ जाएगा, एक एबी लाइन है, एक एबी लाइन है, एक पीक्यू लाइन है, एक एमएन लाइन है, लाइन एमएन, एक आरएस लाइन है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे सभी लाइन क्या है, पैरेलल है। यहां पे आप जो दिख पा रहा है आपको एबी पैरेलल पीक्यू पैरेलल एमएन पैरेलल आरएस, ठीक है। यानी कि अगर जितने भी दिया गया लाइंस है अगर सभी पैरेलल होगा, सभी पैरेलल होगा, तो यदि एक लाइन का एक स्लोप जब है, अगर मान लिया कि इसका स्लोप आ गया टी, स्लोप कितना आ गया टी, तो भाई मेरे सबका स्लोप कर देंगे टी, सबका स्लोप हो जाएगा टी। समझ में आया ये रूल क्या बोल रहा है कि अगर कोई सिचुएशन से, यदि किसी सिचुएशन से किसी एक लाइन का स्लोप मान लिया m बराबर 4 आ गया और इसी के पैरेलल कोई दूसरा लाइन है तो उसका भी स्लोप कितना होगा, 4 ही है। यानी कि c नंबर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई लाइंस आपस में पैरेलल है, आपस में समानांतर है, तो उस सभी समानांतर लाइंस का, रेखा का, समानांतर रेखाओं का सबका स्लोप एक समान होता है। कब? जब आपस में सब पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन समझ में आया क्या बोल रहे हैं, यानी कि सिंपल वे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी लाइंस का स्लोप पता है तो उसके पैरेलल वाले लाइंस का भी हम लोग स्लोप पता कर सकते हैं, यानी कि उसका भी स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ए बी पी क्यू एम एन आर एस अगर सब पैरेलल है सो सबका स्लोप इक्वल होगा, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी एम ए बी का वैल्यू, यहां पे अगर टी दिया है तो इसका भी टी होगा। स्लोप ऑफ पी क्यू यानी कि कब हम ऐसा कह रहे हैं, जब सभी आपस में पैरेलल होंगे, एम ऑफ पी क्यू का वैल्यू कितना, टी। एम ऑफ एम एन यानी कि एम एन का भी स्लोप टी। एम ऑफ आर एस, आर एस का भी स्लोप टी। समझ में आ रही चीजें क्या हो रही है, यानी कि अगर कोई लाइंस पैरेलल दिया रहे तो सभी पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है सबका सेम होता है, सबका टी 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 ही होगा। सबका अगर ए चार रहता तो सबका चार चार, ये 5/3 तो सबका 5/3। समझ में आया। चलिए अब हमें एक एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। तो सी नंबर को आप इतना उतार लीजिएगा, फिर सी का कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे कि अगर कुछ सिचुएशंस ऐसे दी गई रहेंगी तो हम लोग इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन दिया है, इफ
अ लाइन ए बी एंड इट्स इक्वेशन इज वाई बराबर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू when AB parallel to PQ, ठीक है। तो यहां पे सिचुएशन क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन है और इस लाइन का AB दिया हुआ है, इस यानी कि यहां पे इस सवाल में दो लाइंस दिया हुआ है जिसका नाम AB है और PQ है, यानी कि AB दिया हुआ है और PQ दिया हुआ है, ठीक है। अब AB का एक लाइन है AB एंड इट्स इक्वेशन, यानी कि इसका इक्वेशन दिया है माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन PQ, तब हमें PQ का स्लोप निकालना है। देखिए AB का हमें इक्वेशन दिया है और हमें PQ का स्लोप पूछ रहा है, व्हेन, कब, जब AB और PQ क्या है, पैरेलल है। तो जरा अच्छे से समझिए कि दो लाइंस तो जरूर है जो AB और PQ है, लेकिन यहां पे दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, और आपस में पैरेलल है तो इसका जब भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए एक ज्योमेट्री का जैसा ही है जैसे कि हम लोग टेंथ में पढ़ते थे उसी का एक AB टाइप है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सवाल में डायग्राम बहुत जरूरी है। ए लाइन AB एंड इट्स इक्वेशन इज y बराबर इतना, यानी कि एक लाइन को ही लीजिए, लाइन ले लिया, अब इस लाइन का नाम क्या है AB, तो हमने नाम रख दिया AB, ठीक है। और इस AB का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दिया है y बराबर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ठीक है, माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। फिर क्या बोल रहे हैं कि आप एक और लाइन दिया गया है PQ, तो इस PQ का स्लोप निकालो, PQ का स्लोप निकालो, कब, जब AB जो है PQ का पैरेलल है। तो हम एक और लाइन बना दिए, इसका नाम रख दिया PQ, क्यों, क्योंकि सवाल ही बोला कि दोनों क्या है, पैरेलल है, तो सवाल बोल रहा है कि PQ का हमें M का मान बताओ, स्लोप का मान बताओ। तो समझ रहे हैं चीजें क्या हो रही है। सबसे पहले आप AB का स्लोप निकाल लो ना यार, AP का स्लोप जो होगा वही ना PQ का भी स्लोप होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। जब भी दोनों पैरेलल होता है तो सबका स्लोप इक्वल होता है। अब रहा बात कि सर AB का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो भाई अभी तुमको सिखाए कि अगर कोई समीकरण दिया रहता है तो उस समीकरण से y का बराबर में जो चीज होता है तो x का गुणांक वाला उसका स्लोप हो जाता है। यानी कि यहां पे बनाने का तरीका, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, देन इक्वेशन ऑफ लाइन AB, यानी कि AB का समीकरण दिया y बराबर इतना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि m ऑफ AB, यानी कि स्लोप ऑफ AB, AB का स्लोप कैसे होगा। तो हम सीखे कि जब अगर समीकरण दिया रहता है y बराबर तो x का गुणांक वाला स्लोप हो जाता है, x का गुणांक कितना है माइनस थ्री, तो इसका स्लोप कितना हो गया माइनस थ्री, पक्का। अब जब m AB का स्लोप माइनस थ्री हो गया, नाउ अब चूंकि सवाल में बोला कि AB पैरेलल है PQ का, AB पैरेलल है PQ का, ठीक है, जब AB पैरेलल है PQ का, ये कहां से भाई, गिवन है, दिया हुआ है, तो जब ये चीज दिया हुआ है तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि M ऑफ PQ, यानी कि PQ का स्लोप कितना होगा, जब इसका वैल्यू M का वैल्यू आ गया माइनस थ्री, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कितना, माइनस थ्री।
ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा -3 आंसर। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसी का भी स्लोप निकालना रहेगा आज से, तो थोड़ा सा हम लोग केयर करेंगे, जो चीज सीख रहे हैं उन चीजों को अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये नंबर सी था। अगर हम लोग सीखे पहला सिचुएशन कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा तब हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, दूसरा सिचुएशन जब इक्वेशन दिया रहता है तब कैसे निकालते हैं, और तीसरा सिचुएशन कि जब अगर पैरेलल लाइंस होगी तो सबका स्लोप इक्वल होगा। चलिए अब आगे आते हैं नंबर डी पे। सी नंबर तक के हम लोग सीखे, कुछ सबका एग्जांपल भी सीखे, एग्जांपल का क्वेश्चन भी सीखे। चलिए आगे आते हैं नंबर डी कि डी कैसा सिचुएशन है, ठीक है। डी वाले सवाल को हम लोग सीखेंगे। इफ स्लोप ऑफ एनी लाइन इज, डी नंबर में लिखेंगे इफ स्लोप ऑफ एनी लाइन इज m1 इज इक्वल टू a, देन इट्स स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, देन इट्स स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर को ऐसे भी दिखाते हैं, इसको लंब पढ़ते हैं, हिंदी में लंब पढ़ते हैं। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर m2 इज ब्रैकेट में m2 इज -1/a। अब जरा चीजों को हम लोग समझते हैं कि ये क्या वैल्यू होता है, ये क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग पढ़े कि अगर बहुत सारी लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो जब कभी भी अगर आपस में पैरेलल होंगी तो हम लोग सीखे कि सबका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी तरीके से आज हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप ए है, जैसे मान लिया कि स्लोप एक लाइन है ए बी, ठीक है। अब इसका स्लोप हमें पता है, इसका स्लोप कितना है भाई, m1 का a है या p है चाहे कुछ भी है, ठीक है। देन इट्स स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, दोस्तों अगर इस पे आप कितना भी रेखा लाइन खींच लो, हालांकि वो इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, आप ऐसे खींच लो ऐसे हजार लाइनें खींच लो, लेकिन सब क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर जितनी भी लाइंस परपेंडिकुलर है तब उसका जो स्लोप होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप जो होगा m2 -1/a हो जाएगा। अगर मान लेते इसका 4 था तो इसका -1/4 यानी कि -1/a हो जाता है। ए भी चूंकि परपेंडिकुलर है तो इसका भी स्लोप कितना होगा, -1/a, इसका भी स्लोप कितना होगा, -1/a, और इसका भी स्लोप कितना होगा, -1/a। आप चीजों को अच्छे से समझो हम क्या बोल रहे हैं। पहला सिचुएशन सी वाला सिचुएशन था कि सभी चीजें पैरेलल थी, समांतर थी, इसीलिए सबका स्लोप बराबर था। लेकिन इस सिचुएशन में सभी रेखाएं एक दूसरे पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि ऐसे लंब डालते हैं ना हम लोग, दोनों के बीच 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री होता है तो किसी एक स्लोप का अगर a रहेगा तो दूसरा का हो जाएगा -1/a। एक और चीज समझेंगे, या फिर ऐसा बोला जा रहा है इसमें से, अगर मान लिया कि अगर दोनों स्लोप्स है, जैसे और करके एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लिया कि एक लाइन है जिसका नाम PQ है, इसका नाम PQ है, और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसका नाम AB है,
ए बी जो है बी पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है। जब ए बी जो है पी क्यू जो है ए बी पर लंब है और इस बार इसका स्लोप दिया है एम वन इज इक्वल टू ए, अब दो को रेखा है ना इसलिए एम वन और एम टू कहा जा रहा है, उससे मतलब नहीं रखिए। इसका ए बी का स्लोप कितना ए, तो भाई इसका लाइन का ये पूरा लाइन का स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा इसको एम टू से दिखा रहे हैं माइनस वन बटा ए। तो आप कभी ऐसा नहीं समझो कि नीचे वाला का ही ए होता है, आप ये समझो कि चूंकि पैरेलल लाइन जब होगा, पैरेलल लाइन जब होगा तो सबका स्लोप इक्वल, लेकिन जब परपेंडिकुलर होगा तो ए अगर रहेगा तो दूसरे का माइनस वन बटा ए हो जाता है, याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। और सबसे नोट करने वाली बात कि उसके नीचे लिखेंगे ये फिगर बनाने के नीचे नोट में लिखेंगे फोर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन के लिए यानी कि जो आपस में लंब होती है उसके लिए एक सिचुएशन है कि M1 और M2 का स्लोप को गुणा करने पे माइनस वन आना चाहिए। दोस्तों ये फैक्ट है कि अगर दो रेखाएं आपस में लंब हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो दोनों रेखा का जो स्लोप है उसको आप गुणा करेंगे हमेशा कितना आना चाहिए माइनस वन। चेक कर लो भाई, चेक कर लो इसका, चेक कर लो, चेक M1 दो रेखाएं आपस में लंब हैं, इसका स्लोप कितना M1, इसका स्लोप कितना M2, और M1 का मान A गुना माइनस वन बटा A। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि अगर कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, लंब हो जाएं, तो वो दोनों का जो स्लोप आएगा, वो दोनों का जो स्लोप आएगा वो गुना करने पे कितना होना चाहिए माइनस वन। तो इन चीजों को समझ पा रहे हैं आप, जैसा कि हम लोग अभी पैरेलल लाइंस के लिए सीखे, अभी हम लोग लाइंस परपेंडिकुलर के लिए सीखे। तो अगर एक किसी लाइन का स्लोप ए रहेगा तो परपेंडिकुलर वाला का हो जाएगा माइनस वन बटा ए, या फिर यूं बोले तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए जो स्लोप का गुणनफल होता है, स्लोप का गुणनफल वो कितना के बराबर होता है माइनस वन के बराबर। अब चलिए, चूंकि डी नंबर में जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं, अब इसमें हम लोग इसका भी कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स, चलिए तो इसका भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं कि अगर दो लाइंस आपस में अगर परपेंडिकुलर होती है तो उसका जो स्लोप होना चाहिए दोनों स्लोप को गुणा करने पे माइनस वन आना चाहिए। खैर एग्जाम्पल में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट ए 4 3 कॉमा बी 8 -6 इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट ए एंड ऐसे लिखेगा ए एंड बी आर 2 4 एंड 3 6 देन फाइंड द स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ लाइन PQ इफ या व्हेन AB परपेंडिकुलर टू PQ। देखिए सिचुएशन क्या बोल रहा है, सवाल इज कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हमें सवाल पे थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, चीजों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि चीजें क्या बोल रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहां पे उसी के सिचुएशन जैसा काम करना पड़ेगा। सवाल क्या बोला,
इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट ए एंड बी आर 2, 4 एंड 3, 6, यानी कि ए एगो पॉइंट ए है और एगो पॉइंट बी है, और इस ए बी का कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक दिया 2, बी का निर्देशांक दिया 2, 4 और इसका दिया 3, 6। अब एक फाइंड करना है क्या भाई, तो स्लोप किसका, पीक्यू का, कब, जब, वेन ए बी और पीक्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। तो सबसे पहले सवाल में क्या बोल रहे हैं, टू पॉइंट्स ए बी, तो भाई एक ए है और एक बी है, ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2, 4 है, बी का जो कोऑर्डिनेट्स है 3, 6 है, लिख दिया। अब इस लाइन का जब 2 छोर पता है तो भाई मेरे इसको हम लोग तो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि जो लाइन ए बी बन रहा है उसी पे एक पी क्यू परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। अब जब 90 डिग्री है तो इसका मतलब कि ऐसे 90 डिग्री होगा ना भाई, ऐसे करके 90 डिग्री होगा, जिसका नाम पी क्यू है। तो यहां पे पी क्यू कर दिया, पी क्यू परपेंडिकुलर, चाहे ए बी परपेंडिकुलर बी क्यू बोल लो या फिर ए बी पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी बोल लो, बात तो बराबर है। हम लोग क्या सीखे अभी कि अगर किसी लाइन का स्लोप पता है तो दूसरे लाइन का भी स्लोप पता करना होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो -1/a हो जाता है, सबसे पहले जब ए और बी का पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग ये पहला सिचुएशन सीखे हैं, नंबर ए में यही सीखे हैं कि अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं। तो अब सबसे पहले आपको जो काम करना है, ए बी का स्लोप निकालना है, जब ए बी का स्लोप निकल जाएगा पी क्यू का भी निकल जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो -1/a, यानी कि सवाल में हमें पी क्यू का स्लोप पूछ रहा था, स्लोप ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले ए बी का निकालेंगे। क्यों ए बी का निकालेंगे, क्योंकि ए बी का ही हमें 2 पॉइंट्स दिया है, तो जब 2 पॉइंट्स दिया रहता है तो हम लोग y2 - y1 / x2 - x1 का फार्मूला का यूज करके हम लोग उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले गिवन है, क्या क्या गिवन है, तो कोऑर्डिनेट्स ए का पॉइंट पता है कितना 2, 4, दैट मींस, और बी का वैल्यू कितना पता 3, 6। तो हम ये बोलेंगे कि ए बी लाइन का किसी को भी हम x1 y1 बोल सकते हैं, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग m ऑफ ए बी निकाल सकते हैं सबसे पहले, यानी कि ए बी का स्लोप, फार्मूला क्या है, तो y2 - y1 / x2 - x1। तो y2 - y1 का मतलब कि y2 का जगह पे 6 है -y1 के जगह पे 4 है / x2 के जगह पे 3 है -x1 के जगह पे 2 है, 6 में से 4 गया 2/1, इसका मतलब कितना आया स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का जो स्लोप आया वो कितना आया 2 आया। तो जब ए बी का स्लोप 2 आया तो हम इसलिए नाउ यहां पे ये लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी परपेंडिकुलर है, क्या बीसी नहीं, ए बी परपेंडिकुलर है, ओह पैरेलल लिखा जाए, ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू का,
ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू का, तो जब परपेंडिकुलर है तो हम लोग पी क्यू का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो माइनस वन बटा में जो ए आता है पहले वाला लाइन का जो स्लोप आता है उसका वैल्यू। तो जरा हम अब ऊपर से मिटाते हैं, आप तो लिख लिए होंगे क्वेश्चंस, नहीं लिखे होंगे तो आप बैक करके क्वेश्चंस को जरूर लिख लीजिएगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं, जब हमें ए बी का स्लोप पता चल गया तो अब हम लोग नाउ चूंकि ए बी परपेंडिकुलर बी सी पी क्यू है इसलिए स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू का स्लोप कितना होगा, तो माइनस वन बटा में ए बी का स्लोप, तो माइनस वन बटा स्लोप ऑफ ए बी, ऐसे ना करते हैं माइनस वन बटा में जो स्लोप आता है वो लिख देते हैं। सो स्लोप ऑफ पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन बटा इसका स्लोप कितना है दो। तो इस तरीके से हम लोगों का ये आंसर आ गया, यानी कि ए बी का जब हम लोग स्लोप निकाले तो टू आया, तो पी क्यू का जो स्लोप आया इसका वैल्यू टू आया, तो इसका एम का वैल्यू कितना, तो माइनस वन बाई टू। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हम लोगों का स्लोप सही आया है कि नहीं, तो चेक करने का रूल होता है परपेंडिकुलर में कि दोनों को जब आप गुना कराइएगा तो गुना कराने से आपको क्या मिलेगा, तो माइनस वन। गुना कराने के बाद क्या मिलने वाला है आपको, माइनस वन मिलने वाला। तो आप इसको चेक कर लीजिए, रफ में चेक करेंगे, यहां तो चेक करना जरूरी वैसे नहीं है। तो जब भी आप चेक करेंगे तो एम वन का स्लोप और एम टू को स्लोप से गुना करने पे कितना आना चाहिए, माइनस वन। कब, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तब, तो यहां पे तो परपेंडिकुलर है। तो जरा चेक कर लेते हैं कि अपना आंसर जो आया है वो सही है या गलत है। तो एक का स्लोप कितना आया दो, दूसरा वाला परपेंडिकुलर का स्लोप कितना आया, माइनस एक बटा दो। गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस वन आना भी चाहिए, इसलिए हम लोगों को जो निकला हुआ स्लोप है वो पी क्यू का करेक्ट है, क्योंकि चेक करने का रूल है कि M1 और M2 यानी कि दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर होती है, देखो लंब के लिए ही ऐसा चेक करने का रूल है, तो जब अगर लंब हो तब दोनों को स्लोप को गुना करने पर माइनस वन आना चाहिए। तो दैट इज डन, हम लोगों ने आज 6.3 में के थ्योरी में अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्लोप के बारे में, ये एक नॉर्मल एंड टेंजेंट का टॉपिक्स था स्लोप। तो स्लोप कुल के टोटल चार पार्ट्स को हम लोग पढ़े, कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट को पढ़े, दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा तब पढ़े, जब लाइंस पैरेलल होंगी तब उसका स्लोप कैसे निकलता है, जब अगर परपेंडिकुलर रहता है तब स्लोप कैसे निकलता है। तो इन चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस किया। अब आप बोलेंगे कि सर थ्योरी खत्म, तो नहीं, एक क्लास लगभग और लगेंगी अगली क्लास, मैंने एक घंटे का और थ्योरी बाकी है इस 6.3 एक्सरसाइज का। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।